मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं, अगर रॉड को हमने फिक्स नहीं किया है और उसको एक स्मूथ सरफेस पर रखा है तो उसमें इलॉन्गेशन कितना होगा अगर एफ फोर्स हम लगाते हैं। तो यहाँ पर हमको एक कॉन्सेप्ट समझना है कि अगर हमने एक रॉड लिया है ना, और उस रॉड को अगर हम एक एंड से फिक्स रखते हैं, ध्यान से समझना है, एक एंड से अगर फिक्स रखते हैं और दूसरे एंड पर अगर हम फोर्स लगाते हैं एफ, तो इस रॉड में इंक्रीमेंट होगा डेल्टा एल। और वो डेल्टा एल का कॉन्सेप्ट हमने देखा था, जिससे डेल्टा एल इज़ इक्वल टू फोर्स एफ डिवाइडेड बाय ए इंटू वाई इंटू एल, ऐसा कुछ हमने कॉन्सेप्ट देखा था। ओके, यही है हुक्स लॉ जो हम पढ़ रहे थे। पर आज हम बात करेंगे कि अगर वो जो रॉड है वो एक स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, यहाँ पर फ्रिक्शन की हम बात नहीं कर रहे, एक स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है और उस रॉड पर हम फोर्स लगा रहे हैं, ऐसा कि वो रॉड अभी फिक्स नहीं है, ठीक है, यहाँ पर एफ फोर्स लगा रहे हैं, तो डेफिनेटली ये रॉड जो है वो ए एक्सेलरेशन से मूव करेगी। और इसका एलोंगेशन फिर हम अब कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हमको देखना है। तो यहाँ पर हमको, अगर हम इस पूरे रॉड को जो हमने फिक्स नहीं किया है, पूरे रॉड की बात करें, तो हर एक पार्ट का इलोंगेशन होगा और यहाँ पर हमको इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हर एक पार्ट पर अगर हम फोर्स की बात करेंगे, क्योंकि ये फिक्स नहीं है, ये फिक्स नहीं है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा फोर्स लगेगा और यहाँ पर ज़ीरो लगेगा, यहाँ पर फोर्स एफ लगेगा और यहाँ पर फोर्स ज़ीरो लगेगा, यहाँ पर फोर्स वेरिएबल है, तो आपको ध्यान रखना है ये कॉन्सेप्ट है वेरिएबल फोर्स का। तो यहाँ पर हमको इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। किसका कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट हमको यूज़ करना पड़ेगा। अगर हम इस एंड से देखें और यहाँ एक्स पर देखें तो फोर्स कितना लगेगा, जिसको हम टेंशन कहते हैं टी। तो अगर हम टेंशन की बात करेंगे तो टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ इनटू एक्स। ओके, क्योंकि यहाँ पर फोर्स लीनियरली वेरी करेगा। तो हमने यहाँ पर किसी एक्स पॉइंट पर टेंशन फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पर एक डिफरेंशियल पार्ट कंसिडर करेंगे, जैसा हमने लास्ट डेरिवेशन में किया था। ये डिफरेंशियल पार्ट जो है, जिसका लेंथ है डी एक्स, और अगर इस टेंशन के कारण इसका एलोंगेशन जो है वो डेल्टा एल है, तो यहाँ पर डेल्टा एल डिफरेंशियल एलोंगेशन, ठीक है, डिफरेंशियल एलोंगेशन वो कितना होगा। अच्छा, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि ये जो डी एक्स है वो डिफरेंशियल पार्ट है और उसके एलोंगेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसमें कितना इंक्रीमेंट हो रहा उसकी बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमने लिखा डी एल इज इक्वल टू, तो यहाँ पर एलोंगेशन डेल्टा एल डिफरेंशियल एलोंगेशन, जो डी एक्स पार्ट है उसका एलोंगेशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम फार्मूला लिखेंगे एफ, ओके, एफ डिवाइडेड बाई ए इंटू वाई इंटू डी, जो एल है उसका वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे डी एक्स। ओके, क्योंकि ये डिफरेंशियल पार्ट की हम बात कर रहे हैं कि उसका एलोंगेशन कितना है, तो यहाँ पर एफ का वैल्यू अगर पुट करेंगे तो एफ इंटू एक्स डिवाइडेड बाय एल डिवाइडेड बाय ए इंटू वाई इंटू डी एक्स, है ना, मतलब डेल्टा एक्स डेल्टा एल इज एलोंगेशन ऑफ डिफरेंशियल लेंथ इज इक्वल टू एफ एफ बाई ए इंटू वाई, ओके, इंटू एल इंटू एक्स इंटू डी एक्स, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, ये तो कॉन्स्टेंट है, जीरो से टोटल इलोंगेशन डेल्टा एल और यहाँ जीरो से एल तक, एक्स इक्वल टू जीरो से हम एक्स इक्वल टू एल तक इंटीग्रेट करेंगे, तो टोटल इलोंगेशन डेल्टा एल हमारे पास में आया एफ डिवाइडेड बाई ए वाई इंटू एल, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा इंटीग्रेशन, लिमिट पुट करेंगे जीरो टू एल। ओके, तो डेल्टा एल हमारे पास में आ गया वन बाई टू, एक एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा, पहले हम लिमिट पुट कर देते हैं, ए डिवाइडेड बाय ए वाई एल एल स्क्वायर बाई टू माइनस जीरो, है ना, तो एक एल कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेट हमको मिलेगा वन बाई टू एफ इंटू एल डिवाइडेड बाई टू डिवाइडेड बाय ए वाई। तो ये हमारा, अगर वो रॉड मूवी